Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका testbook.com में। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी ने इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2021 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। टोटल 215 वैकेंसीज रिलीज हुई है इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में और इसके रजिस्ट्रेशन 7 अप्रैल 2021 से स्टार्ट हो चुके हैं। और आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में जो यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए रिलीज हुआ है उसमें अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो आप अप्लाई करने से पहले सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो चेक कर लीजिएगा, जैसे कि कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। सिविल इंजीनियरिंग की कैटेगरी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। उसके बाद आपकी एज लिमिट 21 से 30 साल यहाँ पर रखी गई है और बाकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जो है वो 7 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं और 27 अप्रैल तक चलने वाले हैं। और आइए अब शुरू करते हैं और जानते हैं स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस अप्लाई करने का। सबसे पहले आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर विजिट करना होगा। अपनी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ऑफिशियल वेबसाइट है upsc.gov.in, इस वेबसाइट पर आपको विजिट करना होगा। जब इस वेबसाइट पर आप विजिट करेंगे तो इस तरह से यहाँ पर एक पेज ओपन हो जाएगा। ये होम पेज है यूपीएससी का। तो इसमें व्हाट्स न्यू के सेक्शन में देखिए अलग अलग यहाँ पर आपको मैसेजेस दिखेंगे। तो इसमें एक मैसेज जो है वो है एग्जाम नोटिफिकेशन इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2021। तो आपको इसी मैसेज पर क्लिक करना है। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2021 का पेज ओपन हो गया। तो इसमें देखिए जो लिंक के नीचे क्लिक हियर का ऑप्शन है आपको उस पर क्लिक करना होगा। जब क्लिक हियर पर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखिए आप आ गए यूपीएससी ऑनलाइन के पेज पर। इसमें तीन नोटिफिकेशन दिख रहे हैं, एक है आपका इंडियन स्टेटिस्टिकल सर्विस एग्जामिनेशन का, दूसरा है इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एंड एग्जामिनेशन का और तीसरा है आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रीलिमिनरी स्टेज वन एग्जामिनेशन 2021 का। इसके रजिस्ट्रेशन की डेट्स भी दी हुई है 7 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल 2021 तक। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, पार्ट वन का रजिस्ट्रेशन जो आपको दिख रहा है क्लिक हियर फॉर पार्ट वन, तो आपको इसी पर क्लिक करना है। अगर आप ऑलरेडी पार्ट वन रजिस्टर कर चुके हैं तो आप पार्ट टू डायरेक्ट रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको शुरू से पूरा बता रहा हूं। तो आपको यहां पर क्लिक करना है क्लिक हियर फॉर पार्ट वन। इस पर जो आप क्लिक करेंगे इस तरह का एक पेज ओपन होगा। इसको जब स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे तो इस तरह से शो होगा। बेसिकली इसमें इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, इनको रीड कर लीजिए आप और फिर यहाँ पर यस पर क्लिक कर दीजिए। जब आप यस पर क्लिक करेंगे अब देखिए इसका पार्ट वन जो है वो है रजिस्ट्रेशन। पार्ट वन रजिस्ट्रेशन पर आप आ गए हैं। सबसे पहले आपको आपका नाम डालना है यहाँ पर, जो आपका नाम है मैट्रिक की मार्कशीट के अनुसार वो यहाँ पर आपको डालना है। जो आपके मैट्रिक या सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट में है वो यहाँ पर अपना नाम डालिए, उसके बाद अपना जेंडर डालिए, फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। सबसे पहले डेट सेलेक्ट कीजिए, फिर मंथ और फिर ईयर। उसके बाद अपने फादर का नाम डालिए, फिर अपनी मदर का नाम डालिए। उसके बाद अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट कीजिए, अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कीजिए और अगर आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं तो यहाँ पर यस कर दीजिए, वरना आप नो कर सकते हैं। उसके बाद आपको आपकी कम्युनिटी बतानी है, आप जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। फिर अगला सवाल है डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी, क्या आप अल्पसंख्यक हैं, अगर आप हैं तो यस कर दीजिए वरना नो कर दीजिए। फी रेमिशन अलाउड, क्या आपको शुल्क माफी अलाउ है, अगर है तो यस कर दीजिए, ऑटोमेटिक यहाँ पर नो हो गया क्योंकि जनरल कैटेगरी से हैं। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो आपको बतानी है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप ऑलरेडी पास डे अपियरेंगे वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। फिर आपको अपना एड्रेस लाइन वन डालना है, अपना एड्रेस लाइन टू यानी दो आपको एड्रेस देने यहाँ पर। उसके बाद अपना स्टेट या यूनियन टेरिटरी आपको डालना है जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। फिर आपको अपना जिला सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको अपना एरिया का पिन कोड डालना है, अगर आपके पास मोबाइल नंबर है तो वो भी आप डाल सकते हैं, फोन नंबर है तो वो भी डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर कंपलसरी डालना। अपना मोबाइल नंबर डालिए, फिर अपना ईमेल आईडी डालिए और ईमेल आईडी को कंफर्म कीजिए। तो देखिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इंटर करते समय बहुत ही सावधानी रखिएगा आप, क्योंकि फ्यूचर में आपसे हर तरह के कॉन्टैक्ट के लिए इसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का इस्तेमाल किया जाएगा। इनफैक्ट अभी जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी आपके ईमेल आईडी पर ही जाएगा। तो अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बिल्कुल सही फिल कीजिएगा यहाँ पर, जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एक्टिव हो वही यहाँ पर आपको देनी है। तो ये डिटेल्स आपने फिल कर दी। अब देखिए आपको नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा कंटिन्यू आगे बढ़े, अगर आप इनमें कुछ रीसेट करना चाहते हो तो आप रीसेट भी कर सकते हैं। तो अब आप कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आ रहा है आयु में छूट का दावा, क्या आपको एज में रिलैक्सेशन चाहिए, अगर चाहिए तो यस कर दीजिए वरना नो कर दीजिए। अगर यस करते हैं तो किस कैटेगरी में आपको चाहिए वो आपको यहाँ पर बताना होगा। तो आपने यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की जानकारी दे दी, अब आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे
सबसे पहले आपको अपना फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो है वो सिलेक्ट करना है, कौन सा आप आइडेंटिटी यहाँ पर देना चाहते हैं। जैसे मैंने आधार कार्ड दिया है, आप जो आइडेंटिटी कार्ड देना चाहते हो दे सकते हैं। उसका आइडेंटिटी कार्ड नंबर यहाँ पर डालिए, हर आइडेंटिटी कार्ड का नंबर होता है वो आपको यहाँ पर डालना है। आधार का जैसे 12 डिजिट का नंबर होता है, ऐसे हर आइडेंटिटी कार्ड का नंबर होता है। फिर आपको कन्फर्म फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर करना है, कन्फर्म करना है आपको। उसके बाद आपको ब्रांच का चयन करना है, किस ब्रांच से आप अप्लाई करना चाहते हैं। मैंने आपको चार ब्रांचें बताई थी, उनमें से जिस ब्रांच से आप अप्लाई करना चाहते हैं वो ब्रांच का यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है। चार ब्रांचें कौन कौन सी हैं? सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इनमें से चार ब्रांच का आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद मेन एग्जामिनेशन का सेंटर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, जैसे मैंने दिल्ली किया है। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, अब देखिए यहाँ पर आपका जो है वो प्रीव्यू आ गया है। इसको एक बार आप रीड कर लीजिए अच्छे से कि जो जानकारी आपने दी है वो सही है या नहीं। अगर आपको कुछ चेंज करना है तो यहाँ पर एक अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा कुछ भी आपको चेंज करना है। और अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर जो कैप्चा इमेज है वो बॉक्स में एंटर कीजिए। सबसे नीचे देखिए आई एग्री, मैं सहमत हूँ का जो ऑप्शन आ रहा है, जो मैंने रेड सर्कल किया हुआ है, उस पर क्लिक कर दीजिए। तो उस पर आप क्लिक करेंगे, अब देखिए आप यहाँ पर फिर से जो इंस्ट्रक्शंस है उनको रीड कर लीजिए। और अगर आप चाहें तो अपने पार्ट वन का जो एप्लीकेशन आपने फिल किया है उसका प्रिंट ले सकते हैं। और फिर यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है क्लिक हियर फॉर पार्ट टू रजिस्ट्रेशन, यानी अब आपको पार्ट टू की रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए पार्ट टू रजिस्ट्रेशन पर। अब आपको क्या करना है, लॉग इन करना है। आपका जो रजिस्ट्रेशन आईडी वो आपको ईमेल और मोबाइल नंबर पर मिल गया होगा। अपना डेट ऑफ बर्थ जो आपने फिल किया था वो यहाँ पर एंटर कीजिए, कैप्चा इमेज एंटर कीजिए और सबमिट पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि अब आप पार्ट टू के लिए लॉग इन कर रहे हैं। पार्ट टू में क्या है, सबसे पहले आपको पेमेंट करना होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप चाहें तो पे बाय कैश, अगर आप SBI की किसी ब्रांच में पे करना चाहते हैं या किया है तो वो यहाँ पर बता दीजिए। अगर आप किसी क्रेडिट या डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी है। नेट बैंकिंग से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, तो जिस भी तरह से आप पेमेंट करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। और अगर आपने ऑलरेडी पेमेंट किया है और फेल हो गया है तो उसका स्टेटस चेक करने का भी यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, क्योंकि पेमेंट फेल होने के बहुत यहाँ पर जो है वो मैं देखने को मिलती है बातें कि पेमेंट फेल हो गया है, बहुत से नोटिफिकेशन में देखने को मिलता है। तो वो स्टेटस चेक करने का भी यहाँ पर ऑप्शन है, आप इसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप पेमेंट कर लीजिए, जिस मीडियम से चाहते हैं पेमेंट आप अपना कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आप आ जाएंगे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पे, अपने कंटिन्यू कीजिए। अब आपको क्या करना है, अपनी देखिए स्कैन फोटोग्राफ अपलोड करनी है, फिर अपने स्कैन सिग्नेचर अपलोड करने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना जो है आइडेंटिटी, आपने जो फोटो आइडेंटिटी कार्ड के डॉक्यूमेंट की जानकारी दी थी वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। तो फोटो और सिग्नेचर आपको JPG या JPEG फॉर्मेट में अपलोड करने हैं, और जो आपका आइडेंटिटी कार्ड का जो डॉक्यूमेंट है वो आपको PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है। और इनका जो साइज है वो जो दिया गया उसी साइज में आपको अपलोड करना है, 20 से 300 KB के बीच में साइज होना चाहिए। आप फोटो सिग्नेचर और अपना जो डॉक्यूमेंट है फोटो आइडेंटिटी का वो यहाँ पर अपलोड कर दीजिए और फिर अपलोड इमेज पर क्लिक कर दीजिए। देखिए मैंने अपने फोटो सिग्नेचर को रिसाइज किया है फ्री फोटो क्रॉपिंग एंड रिसाइजिंग टूल के जरिए। अगर आपको भी अपने फोटो और सिग्नेचर को रिसाइज करना है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तो इस लिंक, इस फ्री फोटो क्रॉपिंग और रिसाइजिंग टूल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस तरह से देखिए आपको फोटो इनके सैंपल भी दिए हुए फोटो सिग्नेचर के, तो आप चेक कर सकते हैं। और अब आप देखिए फोटो सिग्नेचर आपने अपलोड कर दिए, अब आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए, अब देखिए आपको फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो है उसका नंबर देना है, जो आपने फोटो आइडेंटिटी कार्ड अपना किया था उसका आपको नंबर देना है। आधार कार्ड आपने वहां पर सिलेक्ट किया था मैंने, तो आपको यहाँ पर नंबर देना है। उसके बाद आपको एग्जामिनेशन सेंटर चुनना है और फिर आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन दिख रहा होगा। इस डिक्लेरेशन में आप रीड कर लीजिए कि आपने जो भी जानकारी दी है वो बिल्कुल सही है, और जरूरत पड़ने पर जो आपने जानकारी दी है उससे संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप उपलब्ध कराएंगे। तो डिक्लेरेशन यहाँ पर आप पढ़ लीजिए, उसके बाद जो प्रीव्यू है वो आप प्रिंट प्रीव्यू कर लीजिए। और फिर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है ग्रीन कलर का, आई हैव रीड डिक्लेरेशन एंड एग्री, यानी आपने जो डिक्लेरेशन है वो आपने पढ़ लिया है और आप उससे सहमत हैं। तो अब आप इस पर क्लिक कर दीजिए, यानी आप फाइनल सबमिट पर कर रहे हैं। फाइनल सबमिट पर आप क्लिक कर दीजिए। फाइनल सबमिट पर आप क्लिक करेंगे तो आपका देखिए यहाँ पर एक मैसेज आ गया, यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर एप्लीकेशन, यानी आपका जो एप्लीकेशन है वो सफलतापूर्वक सबमिट हो गया है। अब आप देखिए यहाँ पर एक मैंने रेड सर्कल किया हुआ है व्यू प्रिंट एप्लीकेशन, अगर आपको अपना एप्लीकेशन देखना है या उसका प्रिंट लेना है तो आप इस पर क्लिक करके उसका प्रिंट ले सकते हैं। फ्यूचर में आप फ्यूचर के लिए उसको आप चेक कर सकते हैं, तो आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए अपनी एप्लीकेशन का प्रिंट ले लीजिए ताकि आपको सारी जो डिटेल्स है वो पता रहे फ्यूचर में। तो इस तरह से आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस था यहाँ पर अप्लाई करने का, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सारी जो बातें हैं जो प्रोसेस है वो यहाँ पर बताया है कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं। सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, आपका फोटो, आपका सिग्नेचर और आप जो अपना फोटो आइडेंटिटी यहाँ पर फोटो आइडेंटिटी कार्ड देंगे उसके यहाँ पर PDF फॉर्मेट में वो भी आपको अपलोड करना होगा। तो अगर आप चाहें तो इसमें 7 अप्रैल से 27 अप्रैल 2021 तक अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो।
तो ये तो बात हो गई अप्लाई करने की, लेकिन समय समय पर जो अलग अलग रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज होते हैं उनकी कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है ये ईयरली टेक्स्ट बुक पास। क्योंकि इस एक टेक्स्ट बुक पास के अंदर आपको मिलते हैं 170 प्लस कोर्सेज और 15,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट, एग्जाम की स्ट्रेटजी के वीडियोस और एक्सपर्ट की गाइडेंस। तो ये है वन पास फॉर कंप्लीट लर्निंग ऑफ 170 प्लस एग्जाम। तो ये था यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2021 में अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस, जो इस वीडियो के अंदर हमने जाना कि किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 7 अप्रैल से 27 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन ओपन रहेंगे और इसमें 215 वैकेंसीज निकली हुई है। अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस क्या है वो मैंने आपको ऑलरेडी इस वीडियो के अंदर बता दिया है। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड अपडेट के लिए टेक्स्टबुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।